नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, GI टैग का इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका रीज़न मैं बता देता हूं वीडियो शुरू करने के पहले कि हम आपको सबसे पहले तो स्टेज वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज GI टैग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मैप पर आपका MCQ मतलब मल्टीपल जो है क्वेश्चन दे के आपको कवर करा देंगे। यहीं के यहीं आपको GI टैग याद हो जाएगा, एक ही वीडियो में दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको थोड़ी बहुत बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन भी GI टैग के बारे में बताऊंगा। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं सभी का। सबसे पहले आपको बता दूं मैं GI टैग के बारे में कि GI टैग होता क्या है। तो यह है जियोग्राफिकल इंडिकेशन है किसी वस्तु के लिए। क्या होता है, कई वस्तु एक स्पेशल भौगोलिक कंडीशन में उगती हैं या फिर वहाँ के कारीगरों द्वारा उसको स्पेशल बनाया जाता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ कहाँ पर सबसे अच्छी और ओरिजिनल ही मिलेगी। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपका जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला तो हर जगह बनता है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो फेमस कहाँ का है, सबसे अच्छा कहाँ का बनता है, उसके लिए एक स्पेशल GI टैग दे दिया गया है। तो ऐसे ही जैसे चाय की बात हो गई, ये देखिए दार्जिलिंग की जो चाय है, चाय और भी जगह उगाई जाती है, लेकिन जो भौगोलिक कंडीशन दार्जिलिंग की है तो वहाँ पे जो चाय उगती है उसका टेस्ट और उसका ओरिजिनलिटी वो वहाँ जैसा कहीं भी नहीं उगता। तो स्पेशल कोई भी वस्तु कहीं की रहती है तो उसको GI टैग दिया जाता है। सबसे पहले एक फैक्ट ये याद कर लो आप कि सबसे पहले जो GI टैग मिला आपका दार्जिलिंग की चाय को मिला था, और यह कब मिला था, 2004 से 2005 के बीच में। और दूसरी चीज़, जो GI टैग दिए जाते हैं वह आपके दिए जाते हैं केवल और केवल 10 वर्षों के लिए वैलिड रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए GI टैग वैलिड रहते हैं। अब एक एक करके हम राज्य के अनुसार पढ़ लेंगे, मैंने कुछ ट्रिक्स भी बनाई है कि जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा, तो आप देखते जाइए, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में आपकी सबसे ज़्यादा जो है 1, 2, 3, 4 GI टैग मिले, चारों के चारों किस में मिले हैं, ये मिले हैं आपके शॉल में, ठीक है, शॉल ओढ़ने वाली जो शॉल होती है ना उसमें मिले हैं। तो चारों आप एक एक करके पढ़ लीजिए। तो पांडुम, हमराम, तवलोह पुआन और मुजो पुआन चेई शॉल, इन शॉलों को GI टैग मिले हैं। कहाँ के लिए मिले हैं, मिजोरम के लिए। तो यदि कोई भी शॉल का आया आपको और आपको नाम याद नहीं आ रहा हो तो 99% नहीं, 100% मिजोरम ही लगा के आइएगा किस राज्य को मिले हैं, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देखिए क्या क्या फेमस है। टोटल 5 चीज़ें फेमस हैं, देखिए क्या क्या फेमस है। तो सबसे पहले पलानी पंचमिर्थम प्रसाद, एक प्रसाद के लिए मिला है, और एक मिला है कंदागी साड़ी, ठीक है, डिंडीगुल ताले, कंदागी साड़ी को मिला हुआ है ये भी। इसके बाद आपको मिला एक मिठाई है, दूध की मिठाई जिसको बोलते हैं श्री विलपुथूर पलकोवा, ये है एक मिठाई जिसको GI टैग मिला हुआ है, ये तमिलनाडु की है। उसके बाद सिल्क साड़ी की बात आए और तमिलनाडु को ना मिले नहीं हो सकता, तो तिरुभुवनम, एक्चुअली क्या है, तमिलनाडु की साड़ियाँ बहुत फेमस है, एक साड़ी आती है जो कि एक रिंग से निकल जाती है पूरी की पूरी साड़ी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, साड़ियाँ बहुत फेमस है, आपको पता है वहाँ पे साड़ियाँ पहनते भी हैं, ठीक है, महिलाएँ, और जो पुरुष हैं वह धोती या लुंगी पहनते हैं, ठीक है। तो तिरुभुवनम सिल्क साड़ी को मिला है, और इरोड हल्दी को 2 राज्य में मिले हैं। तो पहला राज्य आपने पढ़ लिया क्या, तमिलनाडु में इरोड हल्दी को मिला है। अब आगे दूसरा भी आएगा, ठीक है, दूसरी हल्दी भी आएगी, उसको भी याद कर लीजिएगा। अब चूंकि पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला ज़्यादा फेमस है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उड़ीसा में भी रसगुल्ला होता है, और GI टैग जो मिला है उड़ीसा के रसगुल्ला को मिला, इस पर बहुत विवाद भी हुआ था, तो याद रखिएगा रसगुल्ला का GI टैग उड़ीसा राज्य को है। उसके बाद में हिमाचली काला जीरा, ठीक है, रसगुल्ला, काला जीरा और कंदमान हल्दी, ठीक है, ऊपर हमने कौन सी, इरोड हल्दी पड़ी थी तमिलनाडु, कंदमान हल्दी हमने पड़ी है कहाँ पर, उड़ीसा, याद रखिएगा। उसके बाद कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी के जो GI टैग है 2-4 अलग अलग राज्यों को भी मिले हैं, सब जगह अलग अलग टाइप की कॉफ़ी होती है, लेकिन जो अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी इसको मिला है उड़ीसा को,
लेकिन इसके साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों को मिला है इसका जीआई टैग। ठीक है, दो ऐसे आइटम हैं जिसके जीआई टैग दो राज्यों को मिले हैं। एक तो ये हो गया, एक और आएगा। अब आ जाइए कर्नाटका पर। तो कर्नाटका में गुलबर्गा तूर दाल, ठीक है, तुअर दाल जो आपकी होती है, कोई तूर दाल बोलते हैं, कोई तुअर दाल, कोई अरहर की दाल, ठीक है, गुलबर्गा दाल दाल का मिला कर्नाटका को, सुपाड़ी कर्नाटका को। अभी हमने दूसरी कॉफ़ी पढ़ी थी, अब ये है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी। ठीक है, और देखिए कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो है आपके साउथ में ही होती है, तो इस कर्नाटक को तीन कॉफ़ी के लिए मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तीन कॉफ़ी, कुर्ग अरेबिका और चिकमगलूर और बाबू बुदनगिरी, ये तीन कॉफ़ी हैं जिसमें मिली है कर्नाटका को, और एक कॉफ़ी मिली है आपकी उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा को मिली है, याद रखिएगा, एक उड़ीसा को मिली है, तीन कॉफ़ी कर्नाटका। बिहार में क्या फेमस है, अगला हमारा आ गया बिहार। तो बिहार में आपका देख लीजिए क्या क्या है, बिहार में मिला है शाही लीची, ठीक है, जरदालू आम, चावल, खाजा और मखाने, सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो बिहार में याद रखिएगा शाही लीची, जरदालू आम, चावल, चावल के लिए छत्तीसगढ़ फेमस है, छत्तीसगढ़ में भी एक को मिला है जीआई टैग, वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जो है स्पेशल एक चावल होता है, ठीक है, कतरनी चावल है, सिलाव खाजा है और मखाने हैं, ये सभी चीज़ें आपकी बिहार को मिली है जीआई टैग। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में दो चीज़ें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, अल्फांजो आम और कोल्हापुरी चप्पल, लेकिन कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटका को भी मिली है। तो कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों, बल्कि कोल्हापुर आपका महाराष्ट्र में, लेकिन दोनों को मिल गई है, याद रखिएगा, कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग। ठीक है, और सांगली हल्दी, देखो हल्दी तीन प्रकार की हो गई, महाराष्ट्र की सांगली हल्दी हो गई, उड़ीसा की कंदमान हल्दी हो गई, और एरोड हल्दी हो गई तमिलनाडु की, तीन हल्दियां हो गई अलग अलग, तीनों को याद रखना है। अब आ जाते केरल, तो केरल, वायनाड, केरल में तो वायनाड की कॉफी फेमस हो गई, रोबस्टा कॉफ़ी, मयूर गुड़, वेरी 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 आईएमपी, आया भी है ये क्वेश्चन, मयूर गुड़, मयूर गुड़ जो है केरल को मिला हुआ है, और एक तुरुत पान का पत्ता। ठीक है, क्या क्या, कॉफ़ी, गुड़ और पत्ता केरल के लिए है, कॉफ़ी, गुड़ और पत्ता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देख लेते हैं, अब मैंने सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग की चाय को, तो ग्रीन और वाइट टी दोनों को दार्जिलिंग की जीआई टैग मिला है, बिल्कुल ईजी है। गोवा में स्पेशल गोवा और खोला, दो दो वर्डों के नाम है ना, गोआ खोला, ठीक है, गोवा में मिर्च खोली, तो ये लीजिए गोवा में खोला मिर्च, गोवा में खोला मिर्च, याद हो गया। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपका जो है चूली का तेल, ठीक है, चूली का तेल, चल और चूली ये मिल रहा है, ठीक है, चल और चूली, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में चूली के तेल को मिली है। उसके बाद देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में ईदू मिशमी कपड़ा, ठीक है, ईदू मिशमी कपड़ा, ईदू कपड़ा पहनकर चल, ठीक है, हिमाचल, ठीक है, तो ईदू मिशमी कपड़ा मिला है अरुणाचल प्रदेश को, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, ईदू मिशमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश को मिला है कपड़े का टैग, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ चावल के लिए फेमस है, तो जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ को मिला है, लेकिन बिहार को भी एक चावल मिला है, देखो मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, बिहार को भी एक चावल मिला, कौन सा, कतरनी चावल, कतरनी मतलब टुकड़े वाला चावल, ऐसा कुछ याद रख लीजिए, ठीक है, कतर देते हैं ना चूहे, तो टुकड़े वाला चावल बिहार में, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश को किस चीज़ का मिला है, तो चुनार बलुआ पत्थर का मिला है जीआई टैग, ठीक है, बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर का जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश को। गुजरात को मिला है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग वहाँ की बहुत फेमस है, उसको मिला है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग का। उसके बाद मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा बहुत फेमस है, काले कलर का होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत फेमस है कड़कनाथ मुर्गा, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये बना दिया मैंने मुर्गा, जैसा भी बनाओ, कड़कनाथ मुर्गा को मिला है मध्य प्रदेश में, बहुत फेमस होता है, ठीक है, जो लोग नॉनवेज के शौकीन होते हैं उनको पता है कितना फेमस है। उसके बाद तेलंगाना को मिला है अदिलाबाद डोकरा, अदिलाबाद डोकरा का मिला है तेलंगाना को। तो ये देखिए आपको मैंने ये सब बताए हैं, अब मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ मैप पे, ठीक है, फटाफट मैप पे बता देते हैं, ज़्यादा होगा तो आपसे पूछ लूँगा, मैप पे तो आपसे पूछते भी चलूँगा ना भाई, क्या दिक्कत है,
चलिए तो मैप पे हम पढ़ लेते हैं फटाफट, मैप पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इधर से हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको किसको बताया था, मिजोरम को मिला है। मिजोरम कहाँ है मिजोरम? मिजोरम आपका ये रहा, ठीक है। तो मिजोरम को क्या क्या मिला है? मिजोरम को मिला है शॉल का, जितनी भी शॉल होती हैं, ठीक है, जितनी भी शॉल होती है मिजोरम को मिला है शॉल के लिए। तो मिजोरम का याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश का, एक सेकंड पहले देखता हूँ किस किस को पता है अरुणाचल प्रदेश का, क्या मिला है अरुणाचल प्रदेश को, कोशिश करिए। तो मैंने बताया था कपड़ा, ठीक है, कौन सा कपड़ा? एक ही कपड़े का एक ही को मिला है 2018-19 में, इदुमिश्मी कपड़ा मिला है अरुणाचल प्रदेश को, इदुमिश्मी कपड़ा। अच्छा चलिए, अब आप, मैं पूछता हूँ, आप बताएंगे, देखता हूँ किस किस को पता है। आप मुझे बताइए बलुआ, आपका जो बलुआ पत्थर है उसका किसको मिला है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बलुआ पत्थर का जीआई टैग किस किस को मिला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार, चार में से एक ऑप्शन है, आप बताइए बलुआ पत्थर किसको मिला है। तो आपको बता दूँ बलुआ पत्थर जो मिला है वह मिला है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए मिला है बलुआ पत्थर। चलिए आप बताइए शाही लीची का किसको मिला है? ऑप्शन यही रिपीट कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, शाही लीची किसको मिला है? तो शाही लीची मिला है आपका बिहार को, याद रखिए चार नंबर में बिहार को। देखिए मुझे भी याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते। अब अगला मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि कंदमान हल्दी किसको मिला है? हल्दी तीन तीन लोगों को मिली है, ये भी मैं आपको बताया था मैंने, किस किस को मिली है हल्दी का? एक तो आपका मिला था तमिलनाडु को मिला था हल्दी का, ठीक है, एक तमिलनाडु को मिला था, एक उड़ीसा को मिला था और एक किसी और को मिला था, तीन लोगों को आपका हल्दी का टैग मिला था, ठीक है। आई थिंक तीसरा मिला था महाराष्ट्र को, ठीक है, तीन, इन तीनों में से कंदमाल हल्दी किसकी है बताइए? कंदमाल हल्दी किसकी है? तो उड़ीसा की है कंदमाल हल्दी, ठीक है, और आपकी महाराष्ट्र की है सांगली हल्दी, ठीक है, और तमिलनाडु का मैंने आपको क्या बताया था कौन सी हल्दी थी? तो तमिलनाडु का इरोड हल्दी, ठीक है, तीनों याद हो गए, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को हल्दी का टैग मिला था, जीआई टैग मिला था, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद सुपारी का टैग किसको मिला था? सुपारी का टैग किसको मिला था? 1, 2, 3, 4 में से बताइए, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना या तमिलनाडु में से सुपारी का टैग किसको मिला था? तो सिरसी सुपारी मिली थी आपको कर्नाटका को, याद रखिएगा, ठीक है, कर्नाटका को मिली थी। तो मैं कोशिश करूंगा जिसने वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए मैं ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाएगा जिसने ये वीडियो पूरा देखा है। और प्लीज़ यदि आपको वीडियो में की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ के साथ साथ वीडियो के लिंक भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आप लोग को वीडियो कैसा लगा और किस किस ने वीडियो पूरा देखा मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा, जाते जाते लाइक कर देना, कमेंट करके बताना तो मुझे एक अप्रोक्स आइडिया हो जाएगा कि लोगों को वीडियो पसंद आया और पूरा देखा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।